पर पर्यटकों की यहाँ पर आमद बढ़ जाती है, तो पर्यटकों के लिए बाईपास से एक बस सेवा शुरू की जा रही है, तो किस तरह की बस सेवा, किस तरह से ट्रैफिक प्लान रहे? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि क्रिसमस में और न्यू ईयर्स में जो है काफ़ी पर्यटक आते हैं, और पर्यटकों की सुविधा के मद्देनज़र जो है कुछ हमने कल निर्णय लिया है और ये एडवाइजरी हम जारी कर रहे हैं। इसमें जो पर्यटक हमारे जो मशोबरा, नालदेहरा, कुफरी, छराबड़ा साइड जो जाएंगे, उनके लिए हमने ये एडवाइजरी जारी करी है कि वो लोग जो है शोघी महली बाईपास का प्रयोग करें, जिससे कि शहर में जो है ट्रैफिक का इनफ्लो कम होगा और शहर की जो सड़कें हैं वो उनका थोड़ा जाम होने की संभावनाएं कम होंगी। इसके अलावा जो पर्यटक, दूसरे पर्यटक जो शहर में आते हैं, उनके लिए हमने जो हमारा क्रॉसिंग के पास जो नई पार्किंग बनी है, वहाँ पे हमने HRTC से रिक्वेस्ट किया है कि वो वहाँ पे बसेस और टैक्सीज वगैरह वहाँ प्रोवाइड करें, क्योंकि हम लोग पर्यटकों को वहाँ पे रुकने के लिए कहेंगे और वहाँ से जो है उनको शहर में लाने के लिए, जैसे हमारा CTO वगैरह के लिए जो है वहाँ से शटल बस वगैरह लगाएंगे। और ये जो है ख़ासतौर पर 31 के लिए जो है शाम से जो है ये सर्विस जो है वो एक्टिव रहेगी, और इसमें पर्यटकों को वहाँ से लाया भी जाएगा और पर्यटकों को वहाँ पर छोड़ा भी जाएगा। सर, कितने बजे तक ये बस सेवा जारी रहेगी, बात की जाए देर रात्रि, जिस तरह नववर्ष भी है? ये एक्चुअली इस पर डिपेंड करेगा कि कितने पर्यटक जो है सर्विस को अवेल करते हैं। वहाँ पे सफिशिएंट नंबर ऑफ बसेज रखी जाएंगी और वो पर्यटकों के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर पर्यटक उसको अच्छे नंबर में यूज़ करेंगे तो जब तक वो लोग वहाँ पे होंगे तब तक के लिए बस सर्विसेज वहाँ पे चलाई जाएंगी। क्या सर, इसमें सभी पर्यटक जो हैं वो HRTC के माध्यम से ही आएंगे, या किसी ने जो है होटल एडवांस में बुक किए हैं तो वो अपने वहाँ लेकर भी आ सकते? देखिए, जिन्होंने होटल एडवांस में बुक कर रखा है वो अपने होटल तक जो है अपने होटल की पार्किंग पर गाड़ी ले जा सकते हैं, पर क्योंकि यहाँ ये देखा गया है कि बहुत सारे पर्यटक जो है वो बिना बुकिंग के आते हैं और वो जो है सिर्फ आते हैं और फिर वापस शाम तक वापस चले जाते हैं, तो उन पर्यटकों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इस ये बात को किया गया है। सर, वहीं पर कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक एडवाइजरी भी जारी की गई है, तो किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई और लोगों से आप क्या अपील करते हैं? देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने कल एक एडवाइजरी जारी करी है, उसमें स्वास्थ्य विभाग ने ये कहा है कि लोगों को ये हिदायत दी है कि लोग एक तो मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को का जो है पालन करें और भीड़ भाड़ वगैरह वाले स्थानों में जाने से बचें। तो मैं भी लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि जैसे चाइना में केसेस बढ़ रहे हैं और दूसरे देशों में भी केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमें जो है थोड़ा एहतियात बरतने की आवश्यकता है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और हमें सभी को जो है मास्क लगाना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए। वहीं पर सर, जिस तरह से क्रिसमस और नववर्ष पर भीड़ रहेगी तो उस पर क्या इंतजाम रहेंगे? क्रिसमस और न्यू ईयर पे जो है काफ़ी भीड़ रहती है, तो उसमें पुलिस की डिप्लॉयमेंट जो है वो सफिशिएंट मात्रा में कर दी गई है। उसके अलावा हमने अपने शहर को जो है 5 सेक्टर्स में बांटा है, और उसके अलावा मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी भी लगाई गई है जो टाइम टू टाइम लोगों को अवेयर भी करेंगे और उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर भी नज़र बनाए रखेंगे।